Assalamu alaikum viewers, hope you are well. Welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video we are going to discuss the biological treatment of wastewater, in which we will discuss the major two types, aerobic and anaerobic wastewater treatment technologies. Okay, so first of all let's start with its introduction. What is biological wastewater treatment? So biological wastewater treatment basically वो technology है जिसमें हम useful microbes को use करते हैं, जिनमें ability होती है कि वो contaminants को wastewaters में से remove कर सकें या remediate कर सकें. तो उस purpose के लिए हम उन microbes को use करते हैं. वो microbes उन water में मौजूद organic pollutants को या solid suspended solids को as a food use करते हैं और उनको आपस में stick करने के बाद और ख़ुद उनके साथ stick होने के बाद aggregates बना देते हैं. ये जो एग्रीगेट्स हैं हैवी वेट की वजह से बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, सॉल्यूशन के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर इसके बाद इन्हें वाटर से रिमूव करना या फिर डिस्पोज ऑफ करना आसान हो जाता है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? तो हमारे पास बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का यही गोल रहता है कि जो डीकम्पोज या डीटॉक्सिफाइड मटीरियल रेजिडुअल या जो स्लज क्रिएट हुआ है बॉटम में उसको अब हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर सकें. Biological treatment is used worldwide by because they are cost effective. ठीक है, बाकी mechanical या chemical processes की नस्बत ये ज़्यादा economical है, इसलिए इसे prefer किया जाता है. अच्छा, वेस्ट वाटर में जब हमारे पास पोल्यूटेंट्स का लेवल एक नॉर्मल हद से बढ़ जाता है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी बढ़ जाती है बाय द नेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट वाटर बॉडी. क्यों? क्योंकि हैवी मेटल्स की वजह से या ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो है ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट होकर रह गई है, उसकी अमाउंट डिक्रीज़ कर गई है. अब इसी वजह से वहाँ पर मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर बॉडीज़ में मौजूद जो माइक्रोब्स हैं उनको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है. तो जब ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जाएगी या वेस्ट वाटर को ट्रीटेड फॉर्म में नहीं डाला जाएगा वाटर बॉडीज़ में तो क्या होगा, हमें हार्मफुल इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे इसके, जैसे कि वाटर पे एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी एल्गी की इनॉर्मस अमाउंट में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी इस कंडीशन में. इसके अलावा एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ स्टार्ट हो जाएगी और भी बहुत से हार्मफुल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. तो क्या कंपल्सरी है फिर कि पावर प्लांट्स या इंडस्ट्रीज़ अपने ट्रीटेड वाटर को, मीन्स कि वो वाटर जो उन्होंने अपने ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में यूज़ किया है उसको भी ट्रीट करके वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करें, और जो मोस्ट प्रेफरेबल या इकोनॉमिकल मेथड है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही है. तो इसे ही अडॉप्ट करके जो है उसके बाद वाटर बॉडीज़ में जो है वाटर को भेजा जाए, डिस्चार्ज किया जाए. सो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स. दो मेजर टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक नेम से ही इंडिकेट है, इसमें एयर ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाएगी क्योंकि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के थ्रू रेमिडिएशन का पर्पस अचीव किया जा रहा है, जबकि एनारोबिक में जो है एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो रहे हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की कोई डिमांड नहीं है. साइंटिस्ट ने इन दोनों एरोबिक और एनारोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ को इस तरह से रिफाइन किया है कि इसमें फर्दर जो है ना मुख्तलिफ कैटेगरी की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए क्या अचीव किया जाए, मैक्सिमम रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अचीव किया जाए और वेस्ट वाटर को क्लियर किया जाए, क्लीन किया जाए. अच्छा जी, जो बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इससे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट हो चुकी होती है, जिसमें मेथड्स लाइक DAF शामिल हैं, डिसॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन, जिसमें सेडिमेंटेशन वगैरह की मदद से क्या होता है ऑयल ग्रीस या फिर इस तरह के जो मैक्रो सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है, जबकि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की मदद से फर्दर जो है उसमें माइक्रोब्स हैं या फिर पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं या फिर जो भी कंटामिनेंट्स हैं उन्हें ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उस सब को फिर इस ट्रीटमेंट के थ्रू उसका रिमूवल जो है इंश्योर किया जाता है. अच्छा जी, अब एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो वेस्ट वाटर को प्राइमरी ट्रीटमेंट से गुजारने के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर इस केस में एरेशन टैंक्स में डाला जाएगा. एरेशन टैंक्स में जो यूज़फुल माइक्रोब्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होंगे, वो वाटर में मौजूद वेस्ट वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक मटीरियल को कंज्यूम करेंगे, उसे फिर ब्रेक डाउन करेंगे और उसके जो क्लम्प्स बना देंगे और वो क्लम्प्स या फ्लॉक्स जो हैं वो चूंकि हैवी हो जाएंगे तो उनका रिमूवल या उन्हें रिट्रीव करना वेस्ट वाटर में से हो पॉसिबल होगा बिल्कुल. अब ये बायोलॉजिकल एरोबिक ट्रीटमेंट प्लांट के जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो की गई है. इसके बाद हमारे पास जो सेटल्ड सॉलिड होता है एरेशन टैंक्स में, उसका जो सस्पेंडेड सॉलिड उसमें मौजूद है या तो हम उसे रिसाइकल कर लेते हैं या वो एक्सेसिव फॉर्म में हो तो हम उसे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. अच्छा, ये जो एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं एरोबिक ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ में, इन्हें जो है लार्जर स्पेस रिक्वायर्ड होती है और इनमें लार्जर अमाउंट ऑफ स्लज भी क्रिएट होता है, लिहाजा उस स्लज की डिस्पोजल के लिए जो है हमारी कॉस्ट जो है लगती है, लेकिन जो ओवरऑल इन सिस्टम्स
इसकी मेंटेनेंस के लिए इनकी कैपिटल कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज़। सो सिस्टम वाइज ये सूटेबल है, लेकिन जो स्लज क्रिएट होता है उसकी फर्दर डिस्पोजल के लिए हमें जो है कॉस्ट लगानी पड़ती है, अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। अब एरोबिक टेक्नोलॉजीज़ में ही हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिक्स्ड बेड बायोरिएक्टर्स FBBRs। तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट सिस्टम्स, मतलब इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्ट वाटर है उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये जो है बनाया गया ये बायोरिएक्टर। और 1970s या 80s में इसको बनाया गया था। मल्टीपल चैम्बर टैंक्स पर यह मुश्तमिल होता है और इसमें जो है सेरेमिक पोरस फॉर्म या प्लास्टिक एज अ मीडिया यूज़ होते हैं। और ये जो ये बेड फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसमें से बेसिकली वेस्ट वाटर को गुजारा जाता है। और ये बेड जो है मोबाइल नहीं है, मूवेबल नहीं है, आगे मूवेबल वन पढ़ेंगे। ये जो है FBBR, ये इन मोबाइल बेड्स हैं जिनसे वेस्ट वाटर को पास कराया जाता है। और इन बेड्स में फिर क्या होता है, चूँकि सारी बात है प्लास्टिक में और इस तरह की तमाम चीज़ों में पोरस फॉर्म में, सेरामिक्स में, जो कि पोरस इन नेचर है, जो वेस्ट है उसको ट्रैप कर लिया जाता है। ओके, अ फॉल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट FBBR जो हैं उनमें इसके साथ साथ माइक्रोब्स भी यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट, स्मॉल स्पेस में ही ज़्यादा सारे जो है इफेक्टिव माइक्रोब्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एफिशिएंटली पर्पस जो है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर का अचीव हो जाता है। अच्छा जी, द मीडिया इज़ इंजीनियर टू हैव अ हाई इनफ सरफेस एरिया टू इनकरेज अ रॉबस्ट बायोफिल्म फॉर्मेशन। यानी मीडिया के ऊपर क्या होता है, बायोफिल्म यानी माइक्रोब्स एक लेयर बना देते हैं ताकि जब वेस्ट वाटर उसमें से पास हो तो कंटेमिनेंट्स जब ट्रैप हों पोर्स में तो ये उन्हें एफिशिएंटली क्या करें, ब्रेक डाउन कर दें, रिमूव कर दें। तो इस वजह से अब जो स्लज क्रिएट होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी, एफिशिएंट एक्टिविटी की वजह से लेस क्रिएट होगा और इस तरह से हमारे पास स्लज फॉर्मेशन कम होगी तो उसकी डिस्पोजल पे भी कॉस्ट कम आएगी। अच्छा जी, अब ये वेल इंजीनियर्ड फिक्स्ड बेड्स जो हैं क्या करते हैं, इनमें चूँकि माइक्रोब्स भी अपना फंक्शन परफॉर्म करें तो इनमें इनकी मीडिया में, इन बेड्स में किसी तरह की प्लगिंग नहीं होती, रुकावट नहीं आती, बल्कि ये फ्लो में इनका जो मैकेनिज्म है वो चलता रहता है। मोर एडवांस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कैन बी फैसिलिटेटेड विद दीज सिस्टम्स। यानी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में उसकी नाइट्रिफिकेशन करना चाह रहे हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करना चाह रहे हैं, या डीसेलिनेशन यानी सॉल्ट का रिमूवल करना चाह रहे हैं, सल्फाइड की रिडक्शन करना चाह रहे हैं, या एनएरोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं, ये तमाम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो अचीव हो जाते हैं इस FBBR के थ्रू। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ये मल्टी चैम्बर्ड टैंक्स इसमें मौजूद होते हैं और उन तमाम में यूनिक बैक्टीरियल पॉपुलेशंस मौजूद होती हैं जो हर तरह के वेस्ट को ट्रीट करती हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मूविंग बेड बायोरिएक्टर्स। तो ये 1980s में नॉर्वे में सबसे पहले इन्वेंट किए गए थे और इनमें जो एरेशन टैंक्स हैं उनमें स्मॉल मूविंग पॉलीथाइलीन बायोफिल्म कैरियर्स मौजूद हैं, ठीक है, ये वेसल के अंदर ही प्लेस्ड होती हैं और एज अ सीव काम करती हैं। तो ये जो मूविंग बायोफिल्म पिछले जो थे वो हमारे पास एक ही जगह मौजूद थे और ये मूविंग बायोफिल्म कैरियर्स हैं और इनका पर्पस होता है कि ये जो हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाला वेस्ट वाटर है तो इसको जो है पास कराया जाए, ट्रीट किया जाए विदाउट एनी प्लग, यानी किसी किस्म की रुकावट यहाँ पर भी ना आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मूविंग बेड बायोरिएक्टर्स में फर्दर आगे क्लैरिफायर भी मौजूद होता है जिससे गुजारने के बाद जो है हमारे पास एफ्लुएंट जो है ट्रीटेड एफ्लुएंट यानी वो वाटर जो ट्रीटेड फॉर्म में रिलीज हो रहा है उसे हम एफ्लुएंट कहते हैं, वो फिर क्लैरिफायर से गुजरने के बाद रिलीज होता है और जो एक्टिवेटेड स्लज है बॉटम में बैठता है उसे हम नीचे से क्लीनिंग सिस्टम से जो है रिमूव कर लेते हैं, ड्रेनेज सिस्टम से रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वही बात मेंशन है कि MBBRs के थ्रू पास कराने के बाद क्लैरिफायर में से भी गुजारा जाता है और इस सिस्टम में जो है स्लज को रिसाइकल नहीं किया जाता बल्कि एक्सेस स्लज या स्लरी जो भी बैठती है नीचे उसे वैक्यूम ट्रक के थ्रू रिमूव कर लिया जाता है या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है उस रिमूवल के बाद। अच्छा जी, अब ये वाली टेक्निक जो है वो BOD को लो एफ्लुएंट लेवल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ नहीं की जाती बल्कि मेन इसका पर्पस उस तरह इन तरह के वेस्ट वाटर्स को ट्रीट करने का होता है जो कि फूड और बेवरेज फैसिलिटीज़ से आते हैं, मीट प्रोसेसिंग सिस्टम से आते हैं, पैकेजिंग प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ या रिफाइनरीज़ में जो वाटर यूज़ होता है उसमें जिस तरह की कंटामिनेंट्स हैं उसकी रेमिडिएशन के लिए, उन कंटामिनेंट्स की रेमिडिएशन के लिए ये मेथड या ये बायोरिएक्टर ज़्यादा सूटेबल हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स MBR जो कि 1990s से कॉमनली यूज़ होना शुरू हुए थे। इन एरेशन टैंक्स में जो मेम्ब्रेन मॉड्यूल्स हैं उन्हें सबमर्ज कर दिया जाता है, ठीक है, अब उन मेम्ब्रेन्स में किसी तरह की रुकावट ना आए, डर्ट, डस्ट या कंटामिनेंट इकट्ठे ना हो तो कॉन्टीन्यूस ब्लोइंग की जाती है, एयर स्कोर दिया जाता है। ओके, MBRs जो है वो कंपैरेटिवली एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसमें जो सेडिमेंटेशन के मेथड के बजाय किस तरफ हम आएँ, फिल्ट्रेशन के मेथड की तरफ आएँ। पहले मोस्टली हम क्या कर रहे थे, जो सेडिमेंट्स था, जो सॉइल सस्पेंडेड सॉलिड्स था वो नीचे बॉटम में कलेक्ट करके सेपरेट आउट कर रहे थे,
जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसे फिल्टर कर रहे हैं। एक साइड पे वो रह जाएगा कंटामिनेट और क्लीन वाटर जो है वो ब्रेमरेन से होता हुआ दूसरी साइड से निकल आएगा। तो इस केस में भी जो हमारे पास BOD वाला वाटर है जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है या टोटल सस्पेंडेड सॉलिड ज़्यादा है, तो उस केस में इन दो चीज़ों को ट्रीटमेंट के लिए ये वाला जो मेथड है या बायोरिएक्टर है ये ज़्यादा सूटेबल है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो बायोरिएक्टर हैं माइक्रोब्स ऐसा बायोरिएक्टर बिहेव कर रहे हैं वो, और इसके साथ साथ जो कंटामिनेंट्स हैं या सस्पेंडेड सॉलिड है वो मेम्ब्रेन के एक साइड पर रह जाएंगे, जबकि क्लियर वाटर जो है वो मूव आउट कर जाएगा आफ्टर फिल्ट्रेशन। ओके, MBR सिस्टम जो है वो इनकी जो डिज़ाइनिंग है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वेस्ट वाटर कि उसमें किस तरह के कंटामिनेंट्स मौजूद हैं, तो उस फॉर्म में ही हम मेम्ब्रेन्स जो हैं यूज़ करेंगे। लेकिन एक टिपिकल MBR में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, एरोबिक ट्रीटमेंट टैंक होते हैं, उन टैंक्स के लिए प्रॉपर एरेशन सिस्टम मौजूद होते हैं, मिक्सर्स होते हैं ताकि मेम्ब्रेन में किसी तरह की कोगुलेशन ना हो, देन मेम्ब्रेन टैंक्स होते हैं, क्लीन एंड प्लेस सिस्टम्स होते हैं, हॉलो फाइबर्स या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स यूज़ होते हैं ताकि इवन स्मॉल सस्पेंडेड सॉलिड्स को भी रिमूव कर लिया जाए। तो इस तरह से इस सिस्टम की क्लीनिंग में, इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस में हमारा काफ़ी जो है कॉस्ट लगती है, इसीलिए ये हाई कैपिटल हाई ऑपरेटिंग हाई मेंटेनेंस कॉस्ट के तौर पे ये वाला जो सिस्टम है वो जाना जाता है। नाउ वी विल डिस्कस बायोलॉजिकल ट्रिकलिंग फिल्टर्स। तो बायोलॉजिकल ट्रिकलिंग फिल्टर्स जो हैं वो ड्यूअल इन नेचर हैं, यानी ड्यूअल फंक्शनैलिटी है इनकी। ना सिर्फ ये वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं बल्कि एयर में से भी ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। और इनमें भी यही होता है कि जो वेस्ट वाटर है या एयर है उसे एक मीडिया से पास कराया जाता है और मीडिया में भी फर्दर बायोफिल्म मौजूद होती है उसकी सरफेस में, और जो बायोफिल्म है वो एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक दोनों बैक्टीरियाज जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर जो ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स ट्रैप होते हैं वाटर वेस्ट वाटर या एयर में से, पोल्यूटेड एयर में से, उनको फिर ये जो बायोफिल्म फॉर्म हुई होती है माइक्रोब्स की हेल्प से उन्हें ट्रीट कर लिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सो ये हमारे पास म्यूनसिपल वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए बायोलॉजिकल ट्रिकलिंग फिल्टर्स सूटेबल हैं। इसके साथ साथ एयर रेमिडिएशन में H2S की रिमूवल के लिए ये मोस्ट सूटेबल हैं, और ऐसे वाटर जिनमें ऑर्डर को रिमूव करना आपका पर्पस हो, बैड ऑर्डर को रिमूव करना आपका पर्पस हो, तो तब भी आप इन्हीं को यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है मीडिया मौजूद है, मीडिया में पास होने के बाद जो है वाटर जो है नीचे एफ्लुएंट क्लीन वाटर निकाल लिया जाएगा, जबकि ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू जो है जो इसमें सस्पेंडेड मटेरियल था उसको रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एनएरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। तो इसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास अपफ्लो एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट्स आते हैं। इन सिस्टम्स के थ्रू बायोगैस भी रिलीज होती है, मीथेन गैस जिसे हम कहते हैं, और जो हमारे पास वाटर है जिसे हम एफ्लुएंट कहते हैं वो ट्रीटेड फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और बॉटम पे जो स्लज क्रिएट होता है वो एनएरोबिक इन नेचर होता है। तो वेस्ट वाटर को सबसे पहले जब हम इस सिस्टम के बॉटम से पंप करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक ब्लैंकेट ऑफ स्लज में से गुजरता है, स्लज जो है वो मज़ीद क्या करेंगे वाटर में मौजूद स्लज को अपने साथ बाइंड कर लेंगे। इसके साथ जो ऊपर हमारे पास हुड है वहाँ से बायोगैस रिलीज़ हो जाएगी, और टॉप में से एफ्लुएंट रिलीज़ हो जाएगा, और बॉटम या लोअर रिएक्शन जोन से जो है वो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह गैस लिक्विड सॉलिड्स गैस लिक्विड सेपरेटर से पास होने के बाद सेपरेट हो जाएंगे आपस से। जो बायोगैस यहाँ पर रिलीज़ होगी उसे हम फ्लेयर कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक बायोलॉजिकल एनारोबिक ट्रीटमेंट प्लांट की डायग्राम है। देन हम डिस्कस करते हैं कि जो इसका एडवांटेज है ओवर एरोबिक सिस्टम या एरोबिक ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी वो क्या है कि इसमें लेस स्लज क्रिएट होता है, ठीक है, और इसके अलावा आपको इन सिस्टम्स को बार बार एम्प्टी करके क्लीन अप नहीं करना पड़ता। लेकिन इसमें एक और फैक्टर क्या है कि आपको इसकी ऑपरेशन के लिए हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हैं। क्यों? क्योंकि एनारोबिक टेक्नोलॉजीज़ में आपको एनारोबिक कंडीशंस मेंटेन रखनी है, ऑप्टिमल हाइड्रोलिक कंडीशंस मेंटेन रखनी है, तो उसको अगर आप फुलफ़िल करेंगे तो आपके लिए ये मैनेज करना मोर ईजियर है। इसके साथ साथ एक्सपैंडेड ग्रैन्यूलर स्लज बेड्स भी होते हैं जिन्हें हम EGSPs कहते हैं, और इनमें बस क्या होता है कि वेस्ट वाटर टू स्लज कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है, मोर पावरफुल होता है, क्योंकि जब स्लज को एक बार रिकवर कर लिया जाता है तो इसमें इसे फिर ट्रीटेड एफ्लुएंट में फिर से डाला जाता है कि ये मज़ीद जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसको फर्दर ट्रैप करें, क्योंकि जो हमारे पास स्लज है वो एक जोन प्रोवाइड करता है ना जिसपे सस्पेंडेड पार्टिकल्स आकर मज़ीद इकट्ठे होते हैं, तो इस वजह से उसे वेस्ट वाटर टू स्लज कॉन्टैक्ट ज़्यादा रखा जाता है इस प्रोसेस में। अच्छा जी, हमारे पास UASP की डायग्राम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्लज ग्रेन्यूल्स भी बन रहे हैं और
यानी उनके एग्रीगेट्स बन रहे हैं जो कि बॉटम से कलेक्ट कर लिए जाएंगे, क्लियर वाटर आउटलेट से रिमूव कर लिया जाएगा और बायोगैस यानी मीथेन जो है वो टॉप हुड चैम्बर से ले ली जाएगी। और इसी तरह फिर एनारोबिक डाइजेस्टर्स भी हमारे पास एनारोबिक माइक्रोब्स के यूज़ किया जाता है इनमें, और ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है। और इस केस में भी हमारे पास बायोगैस रिलीज होती है और वैरायटी ऑफ एनारोबिक डाइजेस्टर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। स्पेशली कवर्ड लेग्यून्स, फिक्स्ड फिल्म्स, सस्पेंडेड और सबमर्ज्ड मीडिया में क्या होता है इन एनारोबिक डाइजेस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन सी इट्स डायग्राम एज वेल। So hope you have understand all the types, all the major types and subtypes of biological treatment technologies.